अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। सो आज जो उनका ब्लॉग है उसमें मैं आपको अपना केश दिखाने के लिए जा रहा हूँ। ये काफ़ी दिनों से मैं इसको बनाने की चाह रहा था लेकिन आज कंप्लीट हो गया तकरीबन सारा ही, बस थोड़ा सा काम रह गया। चलिए आपको दिखाता हूँ। जो हमारा केज है वो रेडी हो गया और इसमें मैंने ये काम करवाया है, ये लोहे की जाली थी, ये मैं काफ़ी दिन पहले परचेज़ करके ले आया था। तो इसको ये लोहे के फ्रेम के ऊपर लगवाया है, इंची का पाइप है उसके ऊपर लगवाया है। और ये काफ़ी जो ना मज़बूत जाली है, चादर की बनी हुई है, ये चादर से इसकी कटिंग हुई हुई है। तो इस फ्रेम पर लगवा के इसको बोल्ट के साथ यहाँ पे फिक्स करवाया है, ठीक है। एक दिन तो इस पर ये फ्रेम बनने पर लगा, दो दिन बल्कि, और बाद में एक दिन इसके फिक्सिंग में लगे हैं सारे, और फिर दो दिन इसको पेंट में लगे हैं तकरीबन। चलिए मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ इसको। तो ये काफ़ी बड़ा है, वो पीछे तक है। तो इसके चारों तरफ जो उनसे स्पेस है उसके ऊपर ये जाली लगवाइए, इस तरफ भी, और वो लास्ट तक जो उनसे ये सारी जाली के साथ जाली लगवाइए। और इन इस जाली को यहाँ पे जो इसके साथ जो है बोल्ट के साथ लगा दिए, बोल्ट के साथ तरफ भी। और जो छत है अभी हमारी वो इसी सिरकी के साथ रहेगी, ठीक है। और जो इस पिंजरे के जो ये दरमियान में ना ये बीम वगैरह बना कर लगाई हुई है, बीम बनवा कर लगवाई है ताकि जो ना इसकी मजबूती पर लगाई है। और सेकंड वाली बीम एक ये वो लास्ट तक, और एक ये थर्ड वाली ये हो गई, और एक ये फोर वाली, क्योंकि इसका जो लेंथ है काफ़ी बड़ी है। देखें जो सी ये वाली लेंथ है ये है तकरीबन 25 फुट, ये यहाँ से लेकर वहाँ तक ये बनता है 25 फुट। और इस तरफ है मेरे ख्याल 17 फुट इस तरफ है, और ये है 15 फुट, ठीक है। तो इस जो सब की कैलकुलेशन कर लें तो काफ़ी ज़्यादा इसका ना एरिया बन जाता है, ठीक है। और ये पहले ये वाले बांस लगे हुए थे, ये जिनसे हमने उतार दिए, इनको भी अभी यूज़ में लेकर आएंगे। कुछ ये पड़े हुए हैं, कुछ ये पड़े हुए हैं, इन सब को जिनसे ये वाला पोर्शन है, ये वाला जो हिस्सा रह गया है इसको कवर करेंगे इन बांसों के साथ। और फिर इसके ऊपर ये वाली जो सिरकी है और जो सीधे से एक्स्ट्रा जो वाली है वो सारी यहाँ पर लगा देंगे इसके ऊपर। अभी ये जिनसे बांस है ये अभी सारे जिनसे फिक्स होने वाले, ठीक है। ये वाले जिनसे अभी इनकी फिक्सिंग हो रही है, ये बांधे हुए, कुछ बांधे हुए, बाकी सारे अभी खुले हुए हैं क्योंकि दोबारा बनाना था, दोबारा ये वाला सारा चीज़ दोबारा लगानी थी, इस वजह से इन सबको खोल दिए, ठीक है। बस ये यहाँ पर ये चीज़ें जो उनसे मुकम्मल हो गई हैं। फिर तो शाम के टाइम में मुर्गियाँ जो उनसे मैंने इसके अंदर बंद कर दी हैं खुटे के अंदर, और इसको भी रीबिल्ड करेंगे। ये काफ़ी ऊंचा है, इसकी ना साइज़ काफ़ी ऊंचा है, तो हम इसके ना दो पोर्शन करेंगे। इसके दरमियान में पैलेट वगैरह बना कर लगाएंगे, जैसे एक पहले पैलेट लगा हुआ है वैसे एक दोबारा बना कर लगाएंगे। और इनके जो उनसे अंडों के लिए भी जो उनसे वो भी चीज़ें लेकर आएंगे। फिलहाल जैसे मुर्गियाँ ये इस गमले के अंदर अंडे देती हैं, ये मिट्टी पड़ी हुई है इसके अंदर, तो इसके अंदर बड़े मज़े से आकर अंडे देती हैं ये। और यहाँ पर इस तरफ जो उनसे है यहाँ पर इनके वो वाला जो अंडो वाला सिस्टम है रैकिंग वाला, यहाँ पर वो रैक वगैरह यहाँ पे बनवाएंगे, ठीक है। और ये जो कुछ गमले थे ये मैंने इधर बार बार साइड पे रख दिए, इनके अंदर कल पौधे वगैरह ला कर लगाएंगे, कल या परसों तक। उससे ये होगा कि जो ग्रीनरी वाला माहौल है ना वो आ जाएगा इसके अंदर, ज़रा फ्रेश फ्रेश रहेंगे, ताज़ा हवा वगैरह, तो अच्छा सा एक माहौल बन जाएगा यहाँ पर। बाकी मुकम्मल जो है वो कंप्लीट, तकरीबन पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब ये जो तरपाल वगैरह, ये वाली तरपाल इस तरफ ये वाली साइड पर, और ये दूसरी वाली साइड पर जो सी तरपाल है वो बनवाएंगे इस साइज़ की। और वो जो ब्रिक वाली अंदर साइड है ये 2 फुट है इसकी ऊंचाई, यहाँ से 2 फुट है, और टोटल यहाँ से जो सी है यहाँ से है 6 फुट और 3 इंच है ये वाली हाइट इसकी 6 फुट। इसके दरमियान ये जो पिलर्स वगैरह ये भी ऐड किए हैं, 1, 2, 3 और 4, 4 पिलर इसके अंदर यहाँ पर भी ऐड किए हैं ताकि, और ये एक ऊपर ये वाला भी लगाया हुआ है ताकि इसकी ना मजबूती रहे, यानी कि ये नीचे को ना आए, ये जो चीज़ है बीम इसकी ये भी ये जो उसके नीचे को ना आए,
ठीक है। और ये जो सा ये एक फुल लेंथ लगाई हुई है वहाँ से लेकर वो लास्ट तक, और यहाँ से लेकर और लास्ट तक आई थिंक ये बनता है टोटल मेरे ख्याल है 25 फिट बनता है। ये जो लेंथ है ये 25 फुट की लेंथ है, 25 फुट की है मेरा ख्याल है, हाँ 25 फुट की है, 25 फुट है या 28 फुट है, ये मुझे ये चीज़ भूल गई है, लेकिन ये मेरे ख्याल है 25 फुट है या 28 फुट है, क्योंकि जब ये लेंथ लेकर आ गए थे तब तो मुझे याद था ये 25 या 28 फुट है। ठीक है, और काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। अब यहाँ पे इसके अंदर पोर्शन बनाएंगे, पोर्शन इस तरफ कबूतर वगैरह का, साथ यहाँ पर चूज़े वगैरह होंगे कुछ, यहाँ पे होंगी और उनका भी निज़ाम वाला वगैरह जो अच्छा करेंगे। ठीक है, बाकी आज उनसा ये छत वगैरह रह गई, ये कल परसों तक इंशाल्लाह ये भी जो उनसे कवर हो जाएगा सारा, ये वाला ही सब, ये भी सारा पार्ट जो उनसे ये कवर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको लोग अच्छा लगा होगा।